ओके गाइस, मैं हूँ चोपता में और सुबह के 6 बज रहे हैं। गाड़ी मैंने यहाँ 100 मीटर थोड़ा आगे पार्क कर दी थी, मेन जहाँ पे चोपता का जहाँ पे होटल्स वगैरह है वहाँ पे पार्किंग नहीं था। यहाँ से आप हिमालय देख सकते हैं। ठंडा हो रहा है, बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये गेट है तुंगनाथ ट्रैक के लिए। सनराइज़ हो चुका है हिमालयाज में और यहाँ से थोड़ा पूरा रेंज दिखाई दे रहा है हिमालयाज का। कुछ माउंटेंस के तो मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ कुछ को पहचानती हूँ। जैसे ये अब जो बिल्कुल बीच में दिख रहा है आपको, ये है त्रिशूल 1 और उसके बगल में त्रिशूल 2। त्रिशूल 1 का बेस आप जुनियार गली से देख सकते हैं जब रोप गुन ट्रैक पे जाते हैं। और ये पहाड़ी के पीछे चौखंबा, पहला शॉप नीचे था वो, वहाँ से ऊपर आके ये दूसरा शॉप है। खाने पीने के लिए चाय वगैरह मिल जाएगा यहाँ, मैगी वगैरह। हाँ, एक चाय, चीनी कम थोड़ा। अब यहाँ से कितना है तुंगनाथ? 3 किलोमीटर। 3। तुंगनाथ की मूर्ति जाड़ों में कहाँ पे रखते हैं? मुक्कू मठ में। ये कहाँ पे है? ऊखी मठ में? ना, से पहले इस तरफ है। अच्छा, मैगी है। हाँ, और पराठा मिल जाएगा, आलू पराठा। अच्छा, वापसी में खाऊंगी। बहुत ही सही। तुंगनाथ ट्रैक में जनरली लोग बर्डिंग के लिए भी आते हैं और मोनाल देखना वाकई में बहुत खुशी की बात है। ये मेल है कलरफुल जो होता है। थोड़ा और हाइट पर आ गई हूँ और अब पहाड़ और भी क्लियर दिख रहे हैं और ये चौखंबा थोड़ा और नज़र आने लगा है। बर्फ़ के पैचेस दिख रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में। जैसे जैसे आप हाइट गेन करते हैं, ये जो बुरांश के पेड़ हैं इनके हाइट भी छोटे होते जाते हैं। यहाँ पे अभी फूल नहीं खिले हैं बुरांश में, शायद मिड अप्रैल या अप्रैल एंड तक ही खिलेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें पर्पल कलर के बुरांश खिलते होंगे। और ये पगडंडी है चंद्रशिला के लिए और तुंगनाथ के लिए। मैं पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट तुंगनाथ को, आज ही ट्रैक शुरू किया है और धूप की तरफ आ गई हूँ। अब रास्ते में पूरा बर्फ़ है और हो सकता है कहीं कहीं पे स्लिपरी भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, कहीं कहीं पगडंडी में बर्फ़ दिख रही है और काफ़ी स्लिपरी है बर्फ़। अभी है 1.5 किलोमीटर और ये है गणेश टेंपल, ओम गणेशाय नमः। और यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाना है अभी, और तो सही चल रहा है। कल मैं पहुँच गई थी यहाँ 6 तारीख को चोपता में, 11 बजे पहुँच गई थी लेकिन फिर वहीं रुकी चोपता में। और आज 7 अप्रैल है, आज 7 को मैं ये ट्रैक कर रही हूँ तुंगनाथ का। सुबह 6 बजे शुरू कर दिया था ट्रैक और आज काफ़ी लोग हैं क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, कल सैटरडे और फिर संडे, तो बढ़िया वीकेंड है। तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे और मौसम भी बिल्कुल सही है। और ये सामने हिमालय रेंजेस। थोड़ा और हाइट पर आ गई हूँ और यहाँ से अब चौखंबा और भी क्लियर दिख रहा है। चौखंबा का चौथा पिलर तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से 3 पिलर्स दिख रहे हैं। और ये तुंगनाथ, पता नहीं वापसी कैसे होगी।
बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें, इतना सख्त हो गया, बर्फ स्लिपरी है। जहाँ पे स्लोप कम है तो ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्लोप है तो चलने में प्रॉब्लम हो रही है। चंद्रशिला पता नहीं जाना होगा कि नहीं, देखते हैं। ये तुंगनाथ का गेट है जो अभी बंद है, केदारनाथ के ओपनिंग के बाद ही यहाँ का कपाट खुलता है। और यहाँ से चंद्रशिला 1 किलोमीटर है। यहाँ से चंद्रशिला का ट्रैक है और काफ़ी बर्फ है। ये ऊपर 5-6 लोग दिख रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। काफ़ी स्लिपरी है लग रहा है रास्ता। तो फिलहाल चंद्रशिला का प्लान कैंसिल। तुंगनाथ जी का मंदिर है, कपाट बंद है अभी, इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते, गेट वगैरह क्लोज है, लेकिन लोग घुस जा रहे हैं अंदर रेलिंग को क्रॉस करके। बर्फ़ ज़्यादा है, स्लिपरी है, तो मैं गई नहीं अंदर। और तुंगनाथ का हाइट है 3,650 meters, और ये आपके केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट पर है। केदारनाथ की हाइट है 3,580 के आसपास। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बैठ गई हूँ और एक एप्पल खाती हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगी। तो अगर आप चोपता आते हैं तो यहाँ आने के लिए आप हरिद्वार से चलते हैं, तो ऋषिकेश होते हुए आप देवप्रयाग, श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आप बद्रीनाथ हाईवे छोड़ के केदारनाथ हाईवे पकड़ लेते हैं, और फिर केदारनाथ हाईवे से आप अगस्त मुनि होते हुए ऊखीमठ होते हुए चोपता आ जाते हैं। फिर चोपता से ट्रैक है 5 किलोमीटर बोल रहे हैं, बट 5 किलोमीटर नहीं है शायद, मुझे यहाँ आने में 2.5 घंटा लगा, वैसे 3 घंटा लग जाता है कहते हैं यहाँ आने में, तो 3 किलोमीटर लग रहा था, 3-3.5 किलोमीटर। व्यू बहुत सही है यहाँ, और आज मौसम इतना अच्छा है। कल थोड़ा सा क्लाउडी था कल, और बारिश भी हो रही थी, बट आज बिल्कुल धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। अगर आप अपनी कार लेके यहाँ आते हैं, वैसे तो बस नहीं चलती है यहाँ, शेयरिंग टैक्सी या फिर बुक करके आ सकते हैं आप टैक्सीज। और अगर कार लेके आते हैं तो फिर आप अगस्त मुनि में ही अपना पेट्रोल वगैरह फुल कर लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ आके आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ऊखीमठ में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है, बर्फ़ पिघल रही है, अप्रैल एंड तक शायद पूरा बर्फ़ यहाँ पिघल चुका होगा। तो फिलहाल बर्फ़ है यहाँ थोड़ा ऊंचाई पर, और जैसे जैसे धूप निकलती है तो स्लिपरी हो जाता है यहाँ पे। तो चंद्रशिला तो मैं गई नहीं, तुंगनाथ से ही वापस आ रही हूँ, और ये ट्रैक बहुत ही ईजी है, आप सोलो आप आराम से कर सकते हैं, सोलो पूरा ट्रेल बना हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है इस ट्रैक को करना। स्लिप हो रहा है, फिलहाल मैं बंद करती हूँ। ये वापस हम आ गए हैं
गणेश टेंपल पे। तो ट्रैक अच्छा रहा मेरा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बर्फ भी देखने को मिल गई। ओके यहाँ मैगी खा लेती हूँ। 10 बज रहा है, काफ़ी थकाई लग रही है। नीचे उतरने में ज़्यादा परेशानी लग रही है, नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहीं पे सुबह चाय पी थी और हम मैगी खा लेते हैं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। तो मैगी खाने से थोड़ी जान आ गई है बॉडी में, नहीं तो नीचे उतरना लग रहा था बहुत ही लंबा रास्ता। चढ़ने में इतनी परेशानी नहीं हुई क्योंकि जल्दी निकल गए थे 6 बजे, तो धूप नहीं थी। अभी धूप है तो थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो रही है। कहाँ से? मैं गढ़वाल उधर प्रयाग से। ओके, केदार घाटी से। ग्रेट। बेसिकली है कि मेरा 12th पास हुआ है, तो मैंने सोचा अपनी लाइफ मतलब डेडिकेट करूँगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंटलिस्ट बनूंगा। तो आज मैं यहाँ इस पर्पज से आया था कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे यहाँ मिले, क्योंकि डेफिनेटली हर किसी के अलग अलग थॉट होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके थॉट्स लूँ, कैसे मैं कंजर्व कर सकता हूँ। नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम जस्ट हिमालयस है। जस्ट हिमालयस। और आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु है, प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार। ओके, नाइस मीटिंग यू प्रियांशु। थैंक यू मैम। मी टू। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। तो बस अब ये थोड़े बहुत बुरांश के फूल रह गए हैं ट्रेल में। कल यहाँ धूप नहीं थी, मैं खींचने तो आई थी फोटो बट सही नहीं आ रही थी। अभी सही है, काफ़ी सनलाइट है तो सही दिखाई दे रहा है। और वो नीचे वहाँ पे आपको एक पर्ची काटनी होगी। मॉर्निंग में तो बैठा नहीं था 6 बजे, अब मैं चेक कर लेती हूँ। गिरा हुआ है तो ले लो। चलो अभी ले लूँगी पर्ची। तो अगर थोड़ा पहले आती मार्च में, मिड मार्च में, तो ये ट्रेल और भी खूबसूरत लगता। आज कितने लोग एंट्री हो गए नीचे? हमारा हाथ दर्द हो गया। कितने चले गए होंगे अभी तक? आपने कितनी एंट्री कर ली? 300-400 लोग। 300-400 ज्यादा ही होंगे। नेम क्या है मैम? हेमलता। टायर की हालत ठीक है, पेट्रोल थोड़ा कम लग रहा था बट आई थिंक पहुंच ही जाऊंगी पेट्रोल पंप तक, अगर मैं सारी विलेज भी जाती हूँ। तुंगनाथ का ट्रैक पूरा हो चुका है, ट्रैक बहुत अच्छा था और मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग भी करें तुंगनाथ ट्रैक। तो बाय बाय फ्रॉम तुंगनाथ। सारी जाती हूँ, देखती हूँ सारी विलेज, कल का वेदर भी चेक कर लेती हूँ। बाय।